स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी टेक चैनल नेटवर्क सील्ड में और सीसीएनए की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपलोड कर रहा हूं लेक्चर नंबर 11। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा सेंटर स्विचिंग के बारे में और जानेंगे कि डेटा सेंटर में स्विच को कैसे माउंट किया जाता है और स्विच को अगर हमें रिमोटली एक्सेस करना हो तो हम किन प्रोटोकॉल्स का हम यूज करते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। तो ओके तो यहाँ पे मैंने टेलनेट वीएस एसएसएच किया हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हमें रिमोटली अपने स्विच को कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। लेट सपोज दिस इज यू एस ए, ये यूएसए है, ठीक है, ये यूएसए, ठीक है, अमेरिका है। यहाँ पे मेरा एक स्विच पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं जो हूँ मैं अभी लेट सपोज इंडिया में हूँ, ठीक है। मुझे इंडिया में बैठ के ये मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है। मेरे को यहाँ से ना इस स्विच को कॉन्फ़िगर करना है, इस पे कुछ चेंजेस करने हैं या कोई भी राउट ऐड करना है या कुछ भी चेंजेस करने हैं मुझे रिमोटली, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट, ठीक है, उन दो ऑप्शन से पहले आपकी कनेक्टिविटी आपके पीसी से स्विच तक होनी चाहिए और इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है। आईएसपी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप गूगल एक्सेस करते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, तो अपने स्विच तक तो कनेक्टिविटी ऑब्वियसली आपकी होगी, तभी तो आप एक कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी ये ब्रांच है यूएस में तो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर या एक क्लाइंट होना जरूरी होता है अपने पीसी में, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, पुटी उनमें से एक है जो कि मोस्टली आप यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। जब इस क्लाइंट पे, जब ये क्लाइंट आपके पीसी पे इंस्टॉल है तो आपके सामने में ये ऑप्शन आते हैं, रॉ, टेलनेट, आर लॉगिन, एसएसएच एंड सी। मोस्टली आपका टेलनेट और एसएसएच यूज होते हैं अपने स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। तो टेलनेट और एसएसएच अगर आप करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, हम इस बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। तो मैं डिलीट कर देता हूं थोड़ा, ओके, ठीक है। तो अब आप इंडिया में बैठे हैं, आपने टेलनेट किया, आप अपने पीसी, अपने स्विच को एक्सेस कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप इंडिया में बैठे हैं, आपने एसएसएच की हेल्प से जो है आप अपने स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है टेलनेट और एसएसएच में, ठीक है, अब इस बात को जानते हैं। दोस्तों टेलनेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, ठीक है। एसएसएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिक्योर सेल, ठीक है, जैसा कि नेम प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सिक्योर, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट वाइडली जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एसएसएच को, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, टेलनेट की अगर हम बात करें तो जो डेटा मूव होता है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। अगर आपने टेलनेट कॉन्फ़िगर किया, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को दिखाया था टेलनेट हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, आपने टेलनेट कॉन्फ़िगर किया, आपने यूजर नेम दिया, यूजर नेम आपने दिया सिस्को, ठीक है, एंड आपने पासवर्ड दिया सिस्को, ठीक है। अब जब मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में हूँ, मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ यूएस का स्विच, ठीक है, तो जो मेरा डेटा मूव होगा यहाँ से, ठीक है, वो प्लेन टेक्स्ट में होगा, यानी उसको कोई भी हैकर बीच में, ठीक है, ये हैकर है, इसकी मूछे बना दूं है ना, रहने दीजिए, ठीक है, ये हैकर जो है इसको हैक करके उसको रीड कर सकता है कि उस क्या यूजर नेम मैं यूज कर रहा हूँ, क्या पासवर्ड यूज कर रहा हूँ, और ये हैकर फिर यहाँ बैठे बैठे इस स्विच को एक्सेस करेगा और यूजर नेम एंड पासवर्ड उसके पास है इन्फॉर्मेशन, वो एंटर कर लेगा और हमारे स्विच को हैक कर लेगा। तो इस चीज से बचने के लिए फिर एसएसएच का सॉल्यूशन आपके पास आता है। आई एम नॉट सेइंग कि टेलनेट आपका सिक्योर नहीं है, टेलनेट इज जस्ट लाइक आप स्कूल में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपके पास आईडी कार्ड है
और आपने आईडी कार्ड दिखाया और गार्ड ने आपको अलाउ कर दिया, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा बंदा आपके आईडी कार्ड को लेके, ठीक है, ये आपका आईडी कार्ड है, ओके, इसमें आपका नेम है, ठीक है, गार्ड को आपने दिखाया, उसने आपको अलाउ कर दिया, उसने ओनली आईडी कार्ड देगा। लेकिन एसएसएच में क्या होगा कि वो आईडी कार्ड भी देखेगा प्लस आपका फेस डिटेक्शन भी करेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा एडवांस है टेक्नोलॉजी, दोनों सिक्योर है अपने आप में, बट एसएसएच ज्यादा सिक्योर है, ठीक है, ओके। तो इसमें डेटा जो मूव होता है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है, और जो एसएसएच है उसमें डेटा इनक्रिप्टेड डेटा मूव होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्लेन टेक्स्ट में मैंने पासवर्ड सिस्को दिया था, सॉरी चलो यूजर नेम मान लो, यूजर नेम मैंने सिस्को दिया था, पासवर्ड मैंने क्या दिया था, सिस्को दिया था, ठीक है, तो ये प्लेन टेक्स्ट में था, इसको कोई भी रीड कर रहा था। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है सिस्को को वो कुछ एक एल्गोरिथम कुछ ऐसी रन होगी जिसमें कि वो उसको हैश एम्परसेंड 125 हैश डॉलर कुछ भी इस तरीके से, जिसको कि हैकर अगर रीड करे तो उसे ये फॉर्मेट दिखाई देगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से भेजेगा, और ये इनक्रिप्ट होके जब जाएगा स्विच के पास तो वहां पे डिक्रिप्ट होगा, वहां पे डिक्रिप्ट होके वापस इसको बन जाएगा, ठीक है, तो ये होता है इनक्रिप्शन आपका, ठीक है। तो CCNA सिक्योरिटी में हम इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और भी चीजें जो सिक्योरिटी की होती है वो कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल आप नेटवर्क राउटिंग एंड स्विचिंग पे फोकस करें, ठीक है, ओके। लेस सिक्योर, लेस सिक्योर किस लिए, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि ये प्लेन टेक्स्ट में आपका डेटा फॉरवर्ड करता है। मोर सिक्योर इसलिए क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका डेटा फॉरवर्ड करता है, ठीक है, और ये प्लेन टेक्स्ट में करता है, इसको कोई भी रीड कर सकता है। नो इनक्रिप्शन मेथड यूज, इसीलिए प्लेन टेक्स्ट में जाता है। यूज पब्लिक की इनक्रिप्शन, पब्लिक की इनक्रिप्शन यानी RSA, ठीक है, और आपका RSA के अलावा एक और होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पब्लिक की इनक्रिप्शन का मतलब है कि आपके पैक जो डेटा आप मूव कर रहे हैं उसको ये इनक्रिप्ट करके आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, ओके ओके ओके। वर्क ऑन पोर्ट नंबर 23 बाय डिफॉल्ट एंड पोर्ट नंबर 22 बाय डिफॉल्ट। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था, पोर्ट नंबर ये रहा 22 एंड ये रहा आपका पोर्ट नंबर 23। तो पोर्ट नंबर 23 किसके लिए यूज होगा, टेलनेट के लिए यूज होगा, ठीक है, और पोर्ट नंबर 22 आपका एसएसएच के लिए यूज होगा, ठीक है। ये काफी वेल नोन पोर्ट हैं और आपको नेटवर्किंग में इनकी काफी जरूरत पड़ेगी। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या पोर्ट नंबर यूज करते हैं SSH के लिए और क्या पोर्ट नंबर आप यूज करते हैं टेलनेट के लिए, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेटवर्क स्विच, अब हम बात करेंगे नेटवर्क स्विच के बारे में, जो कि एक्चुअल लेक्चर जिस पर मैंने बनाया है, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन हर चीज की देना आप लोगों को जरूरी है ताकि आपके मन में कभी डाउट ना आए कि यार टेलनेट क्या होता है, SSH क्या होता है, ठीक है, ओके। पैकेट ट्रेसर पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फिजिकल टोपोलॉजी एंड लैब टोपोलॉजी, ठीक है। फिजिकल टोपोलॉजी क्या होता है कि एक्चुअल में हम स्विच को कैसे माउंट करते हैं, कैसे उसके पोर्ट आप लोग को कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे आप फिजिकली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कहलाएगा आपका फिजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी मीन्स ये आपका डेटा सेंटर है, बड़ा सा डेटा सेंटर है, इसमें आपके सर्वर राउटर स्विच फायरवॉल एक्सेस पॉइंट वगैरह वगैरह काफी सारे डिवाइसेस हैं नेटवर्किंग में। आप धीरे धीरे जब बढ़ेंगे आगे तो आप लोगों को पता चलेगा। फिजिकल टोपोलॉजी में क्या है, डेटा सेंटर में आपका रैक रखा हुआ है, ठीक है, इस रैक में आपका स्विच माउंट होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपने एक स्विच यहाँ माउंट किया, दूसरा स्विच आया, ठीक है, तीसरा स्विच, चौथा स्विच, ऐसे मल्टीपल स्विच एक रैक पे आपके माउंट हो गए। हर स्विच या तो 24 बिट का होगा, 48 बिट का, 32 बिट का, डिपेंड करता है कि आपने किस साइज का स्विच वहां पे कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी टोपोलॉजी कहलाएगी फिजिकल। आपने यहाँ से केबल कनेक्ट किया, केबल कनेक्ट करने के बाद आपने ये केबल आपके पीसी पे गया और ये सारा कुछ आपका फिजिकल है, ये फिजिकल टोपोलॉजी कहलाएगा आपका। लॉजिकल टोपोलॉजी जैसा कि मैं पैकेट ट्रेसर पे आपको दिखाता हूँ, जो कि सिस्को का पैकेट ट्रेसर है,
जहां पर कि हम लॉजिकल वे में काम करते हैं, हम रियल तो काम नहीं करते, क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊं परचेस करने क्या राउटर और स्विच को और उस पर फिर लैब करूं तो इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर मी, ठीक है। एटलीस्ट 3 लाख 4 लाख का एक राउटर आता है इंडियन रुपीज में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो इसीलिए हम लॉजिकल टोपोलॉजी पे काम करेंगे। लॉजिकल टोपोलॉजी में आप फील करेंगे कि आप जैसे रियल स्विच पे काम करें। लॉजिकल टोपोलॉजी का अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मैंने आपको बताया ये मेरा स्विच है और ये मेरा हब है, हब से मेरा एक पीसी ये कनेक्ट है, दूसरा पीसी मेरा ये कनेक्ट है और स्विच से फिर मेरा राउटर कनेक्ट है, राउटर के इस इंटरफेस पे मेरा फिर दूसरा राउटर कनेक्ट है। तो इस तरीके से ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसको हम कहते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। अगर इसी को मैं फिजिकली न्यू पीसी बाय करूं और राउटर स्विच वगैरह बाय करूं और इनको फिर मैं आपको दिखाऊं तो दैट मींस कि मैं फिजिकल टोपोलॉजी पे काम कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा एजेंडा क्या है कि हम SSH को इनेबल करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सोल पासवर्ड सेट किया था, ठीक है, टेलनेट पासवर्ड सेट किया था। अब हम आज बात करेंगे इनसे बियॉन्ड SSH के बारे में, जो कि सिक्योर है आपका, ठीक है। और जब भी आपको एक न्यू ब्रांड न्यू स्विच मिलेगा तो आप सबसे पहले ये दो पासवर्ड तो आप यूज करेंगे ही करेंगे, SSH को भी आप यूज करेंगे। और इट विल बी गुड कि SSH को जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करें तो उसके बाद टेलनेट को जो है आप डिसेबल कर दें, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को डेटा सेंटर पर रैक और थोड़ा पैकेट ट्रेसर के बारे में जानकारी देता हूं। उसके बाद हम लॉजिकल टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे एंड देन हम SSH को कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो लॉजिकल आ रहा है और ये फिजिकल आ रहा है, ठीक है। अभी मैं पहले एजेंडा क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एंड देन हम देखेंगे, ठीक है। मैं पहले लॉजिकल को सिलेक्ट करता हूँ। लॉजिकल में हम क्या करेंगे, मैं एक पीसी यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने पीसी लिया, ड्रॉप डाउन किया है यहाँ पे, ओके दैट्स इट। एंड सेकेंड मैं लेता हूँ एक स्विच, स्विच के लिए कहाँ है स्विच, स्विच स्विच दैट वन, ये राउटर है, राउटर में ये स्विच है आपका, ठीक है। मैंने एक स्विच लिया, ओके ये मेरा स्विच रहा, ओके। एंड ठीक है, फिलहाल नॉर्मल टोपोलॉजी, हम सिंपल टोपोलॉजी पे काम करते हैं, एक सिंपल पीसी एंड एक सिंपल स्विच, ओके। और नाउ हम इन्हें कनेक्ट करते हैं आपस में। ये जो कनेक्टर है आपका, मैं पेन सेलेक्ट कर दूँ, होप कि मे बी आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये कनेक्टर की, ये ऑटोमेटिकली है। अगर आप राउटर से राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, कनेक्ट करेंगे आपस में एक फिजिकल वायर के थ्रू, तो दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा केबल, हम यूज करते हैं सीरियल केबल, करेक्ट। लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि मैं किस केबल को सिलेक्ट करूं, यहाँ पे कौन सा सीरियल केबल है, तो हम इस वाले केबल को सिलेक्ट करते हैं पैकेट ट्रेसर में। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि मुझे किस डिवाइस के साथ कौन सा केबल मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे राउटर लेता हूँ, ठीक है, मैं पहले पेन सेलेक्ट कर लूँ, ओके मैंने राउटर लिया, ठीक है, ये मेरा एक राउटर है और ये मैं दूसरा राउटर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं केबल यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो ये गया केबल ये, आप देखेंगे ये डॉट डॉट लाइन वाला है, तो ये मैं जो बात कर रहा था सीरियल केबल, तो ये सीरियल केबल के थ्रू कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, मैंने पीसी से दो केबल, अब ये डिफरेंट स्ट्रेट थ्रू केबल हो गया, ठीक है। तो दो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो स्ट्रेट थ्रू ये सीरियल केबल, तो
आप इस बात की टेंशन ना लें, बिकॉज रियल लाइफ में शायद ही आपको ये मौका मिले कि आप दो राउटर या इनको कनेक्ट करें, बिकॉज टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। तो आपका RJ545 केबल, आई थिंक अब राउटर, दो राउटर के बीच में अगर आप कनेक्ट करते हैं तो वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है आपके केबल को, आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिकली ये ले लेगा कि आप किस डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये केबल कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये टोपोलॉजी को डिलीट करता हूँ राउटर की। अब ऐसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रॉस का बटन आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, क्रॉस का, ठीक है, ये क्रॉस का। ओके, डू यू वॉन्ट टू डिलीट द टू सिलेक्टेड आइटम? यस। ओके, अभी फिर से डिलीट सिलेक्ट और काम इसको दोबारा क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ फाइन। ओके, तो ये जो मैंने डायग्राम अभी आप लोगों को दिखाया है, ये मेरा लॉजिकल टोपोलॉजी है। लेकिन अगर आप इसको फिजिकली रैक में देखना चाहते हैं, तो मैं आपको ले चलता हूँ फिजिकल टोपोलॉजी। ये फिजिकल में आया मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, कहाँ पे, नेविगेशन। नेविगेशन में आप, नेविगेशन में जैसे ही आप जाएंगे, ये आपका आएगा होम सिटी कॉर्पोरेट ऑफिस, ये वो, ये फिजिकल टोपोलॉजी। मैं रैक पे जाऊंगा, ठीक है। रैक पे अगर मैं जाता हूँ तो स्विच, ठीक है, जंप टू, मैं रैक पे जंप करता हूँ, जंप टू सिलेक्टेड लोकेशन। ओके, तो ये रहा रैक, ठीक है। ये रैक में मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 × 2 = 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट एंड 2 गीगा इथरनेट पोर्ट वाला स्विच है। और अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं केबल लगा हुआ है एक, ठीक है, ये केबल है, ये ग्रीन कलर की केबल, RJ45 केबल मेरी कनेक्ट है, कनेक्टर। और अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूं तो ये पूरा रैक है एक आपका, और इस रैक में इतने छोटे से स्पेस में आपका स्विच लगा है। यानी ये रैक की जो हाइट है, ये एटलीस्ट आपके जो नॉर्मल घरों में, आपके जो जो आपका जो ग्राउंड स्पेस है, वहां से छत तक आपके एटलीस्ट उससे थोड़ा कम, इतना लंबा रैक होता है। मतलब काफी, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं होता रैक, मतलब एटलीस्ट की जो आपके अलमीरा होती है घरों में नॉर्मली, उसके एक बराबर। तो ये स्विच आपका कनेक्ट है यहाँ पे, हम वॉल माउंट करते हैं यहाँ पे। अगर मैं जूम का ऑप्शन देखूं, जूम इन, ठीक है, जूम इन करके इसको मैं बड़ा करता हूँ। ओके, तो ये रहा आपका स्विच। अब कनेक्टिविटी कैसे होगी, ये आपके डेटा सेंटर पे स्विच लगा होगा, यहाँ पे RJ45 केबल आपकी आएगी, आएगी वो अंडरग्राउंड, ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्ट आपको और मिलेगा आपके डेस्क के नीचे, वहां से आप एक छोटा सा केबल लेंगे और वो आपके PC पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये था फिजिकल डायग्राम, करेक्ट। अब हम बात करेंगे लॉजिकल, थोड़ा हम उस पर अब काम करेंगे। ओके, तो ये रैक पे है, ठीक है। अब अगर मैं PC पे जाऊं तो ये ग्रीन कलर का PC पे आपका कनेक्ट होगा, ये रहा आपका PC, ठीक है। ये रैक से आया, रैक से आपके PC पे कनेक्ट है, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं लॉजिकल डायग्राम पर, ये रहा लॉजिकल डायग्राम। तो रैक की अगर हम बात करें तो रैक पे किस तरीके से कनेक्टेड होगा, ये आपका रैक है, ठीक है। रैक पे ये आपका स्विच है, मान लो ये स्विच है, स्विच से वायर निकला और सीधा आपके PC पे गया, ये फिजिकल डायग्राम है आपका और ये लॉजिकल डायग्राम है, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखा दिया मैंने यहाँ पे फिजिकली कैसा होता है। ओके, अब हमें क्या काम करना है, हमें काम करना है होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है, यानी टोटल मिला के हमें SSH कॉन्फ़िगर करना है। SSH कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें होस्ट नेम फर्स्ट कॉन्फ़िगर करना होता है, एंड देन डोमेन नेम। डोमेन नेम हमें क्यों कॉन्फ़िगर करना है SSH के लिए, क्योंकि जब हम सिक्योर की जनरेट करेंगे, या हम ये कहें कि हम जैसे SSH है वो पब्लिक
की के थ्रू एक्सचेंज होता है, डेटा को इनक्रिप्ट करता है, उसके लिए हमें आरएसए की जरूरत पड़ती है। तो आरएसए जो हमारा जो की जनरेट होता है वो जनरेट होता है आपका होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम को ऐड करके, ठीक है। तो इसीलिए हमें आरएसए जब हम की जनरेट करें तो हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज को करने से पहले ये दो चीजें आपको परफॉर्म करनी होगी अपने स्विच में। देन हम डिफाइन करेंगे एसएसएच का हम कौन सा वर्जन हम यूज करेंगे, एसएसएच वर्जन 1 और एसएसएच वर्जन 2। वर्जन 1 और 2 में डिफरेंस आप गूगल करके देख लें। जहां तक मुझे याद है एसएसएच वर्जन 1 में ये जो की सपोर्ट करता 512 तक करता था या समथिंग लाइक दिस, और इसमें 1024। तो आप मुझे कमेंट करें कि डिफरेंस क्या क्या है इन दोनों में, और देन हम यूजर क्रिएट करेंगे और एसएसएच को अलाउ करेंगे। तो ये चीजें हमें आप परफॉर्म करनी है अपने स्विच पे, ठीक है। तो चलते हैं हम, ओके। तो मैं स्विच पे जाता हूँ। स्विच पे जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सीएलआई पे जाते हैं, ठीक है। ये स्विच है आपका, ये आपका लोड हो रहा है, ओके। अब मैं स्विच पे पहले सबसे पहले सेट होस्ट नेम, नो अभी मैं अभी प्रिविलेज एग्जेक्ट मोड में हूँ, मैं इनेबल करूंगा। इनेबल करके मैं आ गया यूजर एग्जेक्ट मोड में, ठीक है। नो सॉरी, प्रिविलेज एग्जेक्ट मोड में, पहले मैं यूजर एग्जेक्ट मोड में था, ओके। अब मैं जाऊंगा कॉन्फ्टी और मैं सबसे पहले करता हूँ कि मेरे को कनेक्टिविटी डिफाइन करनी जो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूं तो VLAN 1 मेरा डाउन है, मुझे इसे ऑफ करना, मुझे आईपी देना है, बिकॉज जब तक मैं आईपी नहीं दूंगा मैं स्विच को कैसे एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। मुझे स्विच को मैनेज करना है तो ऑब्वियसली आई नीड एन आईपी, ठीक है। तो conft इंटरफेस VLAN 1 नो शट करता हूँ, ठीक है। अप आ गया है, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूं तो ये अप है, ठीक है, गुड। ये मेरा अप आ चुका है, ठीक है, ओके। अब मैं कॉन्फ्टी, अब इसको आईपी देता हूँ इंटरफेस VLAN 1 आईपी एड्रेस 10.1.10.1.1.2 या 1, ओके। एंड देन मास्क लैन 255.255.255.0, डन। एंड नो शट, आई ऑलरेडी नो शट इट, मैंने इसको नो शट पहले ही किया था, ठीक है। और अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करूं तो ये मुझे अब दिखा रहा है, ठीक है, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम पीसी को भी यहां पर आईपी एड्रेस देते हैं। पीसी को आईपी एड्रेस देने के लिए डेस्कटॉप एंड देन आईपी कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक आईपी हम देंगे और 10.1.1.2 दे देते हैं इसको। सबनेट मास्क हमारा 24 बिट का था तो 255.255.255.0। डिफॉल्ट गेटवे हम स्विच का दे देते हैं 10.1.1.1, ओके, ठीक है। अब अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग करें स्विच को तो 10.1.1.1 कनेक्टिविटी चेक करने के लिए पहला पैकेट हमारा ARP रिक्वेस्ट के लिए ड्रॉप होगा, जिसमें कि ये अपने मैक एड्रेस को ब्रॉडकास्ट करेगा और देन कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये चार पैकेट आपका, एक पैकेट ARP रिक्वेस्ट के लिए ड्रॉप हुआ, बाकी के चार पैकेट आपके कनेक्टिविटी को शो कर रहे हैं। अगर अब आप अगर इसको पिंग करेंगे तो ये ARP टेबल जनरेट हो चुका है, स्विच ने मेंटेन कर लिया अपना ARP टेबल, तो अब ये ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। कनेक्टिविटी बन गई है, ठीक है। और अब हम इसमें टेलनेट पासवर्ड को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी मैं पीसी में हूँ, मुझे स्विच पे जाना है, स्विच दिस वन टेलनेट, ओके। कॉन्फ़िग इनेबल टेलनेट,
ओके जस्ट गिव मी वन मोमेंट. ओके सो टेलनेट पासवर्ड के लिए मैंने जैसा आपको पिछले बार बताया था शो रनिंग कॉन्फिग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे लाइन VTY04 आपके पास होता है. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने पिछले बार कॉन्फ़िगर किया था शायद इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है. मैं इसको नो टेलनेट अब मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ. ठीक है, लाइन VTY04, जीरो का मतलब है कि जीरो से फोर तक यानी फाइव यूजर एट ए टाइम आपके लॉग इन कर सकते हैं स्विच पे थ्रू टेलनेट. ठीक है, एंड नो पासवर्ड करके हम पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप ट्राई करेंगे टेलनेट करने का तो आप टेलनेट नहीं कर पाएंगे. ये देखिए, क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट कनेक्शन टू इतना क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट. ठीक है, अब मैं दोबारा इसमें टेलनेट इनेबल करता हूँ. कॉन्फ्टी लाइन VTY04 पासवर्ड सिस्को. ओके दैट्स इट. अब मैं अगर यहां से दोबारा अब पीसी से टेलनेट करूं तो ये मेरा टेलनेट हो गया. अब डायरेक्ट पासवर्ड आ रहा है तो मैं सिस्को यहां पे एंटर करता हूं. सिस्को, अरे ठीक है, सिस्को एंटर करते ही आ गया. ठीक है, ओके अभी मैंने इनेबल पासवर्ड सेट नहीं किया है तो मैं इनेबल पासवर्ड भी यहाँ पर सेट कर लेता हूँ. इनेबल पासवर्ड सिस्को नो इनेबल करता हूँ. इनेबल, ठीक है, लॉगिंग नो इनेबल में आपको लॉगिन की जरूरत नहीं है. ठीक है, इनेबल पासवर्ड इनेबल दैट्स इट. ओके अब ठीक है. ओके तो ये तो थी पुरानी बातें. ठीक है, और आज हम बात करेंगे SSH के बारे में. तो सबसे पहले हमें होस्ट नेम सेलेक्ट करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको भी ओपन कर लेता हूँ. इसको स्मॉल करता हूँ ठीक है, ताकि आप लोगों को ये भी दिखाई दे. अब ठीक है, ठीक है तो सबसे पहला काम हमने होस्ट नेम सेलेक्ट करना है. तो सेट कॉन्फ्टी में जाएंगे, कॉन्फ्टी कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होस्ट नेम नेटवर्क सील्ड. ठीक है, ओके दूसरा काम हमने डोमेन नेम सेलेक्ट करना है. तो डोमेन domain set domain name, sorry set यहां पे आएगा set की जगह IP domain 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 name, क्योंकि टैब बटन पैकेट ट्रेसर में हर वक्त काम नहीं करता लेकिन आप रियल सिस्को डिवाइस पे काम करेंगे आपको पता चल जाएगा. आईपी डोमेन नेम मैं दे देता हूं networkseal.com networkseal.academy.com. ठीक है, तो ये हो गया. ओके डोमेन नेम सेलेक्ट. अब हमें सिक्योर यानी सिक्योर की को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है. तो अब सिक्योर की को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारी कमांड यहाँ पे हम रन करेंगे. तो सिक्योर की को जनरेट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है क्रिप्टो. ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क करें तो यहाँ पे आएगा की. ओके की देन जनरेट, हमें जनरेट करना है क्वेश्चन मार्क RSA. ठीक है RSA. अब यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो कुछ भी नहीं आया यानी CR आया दैट्स इट. ये लाइन पे इतना ही. जैसे आप एंटर करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप जो की जनरेट करना चाहते हैं हाउ मेनी बिट इन द मॉड्यूल, कि उस बिट पे कितने मॉड्यूल होंगे. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करें ठीक है देन एंटर करें तो ये बोलता है कि आप कोई भी एक की
डेसिमल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं 362.2048 तक, ठीक है। तो जो वेल नोन जो हम आरएसए की हम लेते हैं वो है 1024, ठीक है। तो हम 1024 लेंगे, इट इज मोर सिक्योर देन 512। यहाँ पे ये 512 इंटू 2 अगर हम करें तो 1024 होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका की है वो ओनली ट्वाइस ज्यादा सिक्योर है 512 से, नहीं, 512 से काफी ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। तो 512 जो है कम सिक्योर होता है 1024 से, यानी 1024 काफी ज्यादा सिक्योर होता है 512 से। ये डिफाइन करता है आपके इंक्रिप्शन को कि कितने ज्यादा लंबा इंक्रिप्शन इंक्रिप्टेड आपका डेटा को ये बनाकर आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑडी की और एक नॉर्मल कार, चलो मान लो टोयोटा की, तो ऑडी और टोयोटा में ऑडी काफी ज्यादा मतलब कंफर्टेबल है और लग्जरियस कार है, और टोयोटा के अगर हम बेसिक रेंज की बात करें तो वो कम है, ठीक है। तो सेम डिफरेंस है कि अगर आप कोई भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं 1024 या 2048, जितना आप अपर लेवल पर जाएंगे उतना आपका जो इंक्रिप्शन मेथड है वो और ज्यादा मजबूत होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें हम CCNA सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1024 सेलेक्ट किया, तो जनरेटिंग 1024 RSA की विल नॉट बी एक्सपोर्टेबल, ओके, हो सकता है कि इसमें सपोर्ट ना करे। डू यू वांट टू रिप्लेस देम? यस, एंड 1024 में दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, वी विल सी कि इसने लिया या नहीं लिया, ये बग हो सकता है पैकेट ट्रेसर में, ठीक है। ओके, अब हम डिफाइन करेंगे कि हमें SSH वर्जन कौन सा यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्जन हम जो लेंगे 2 लेंगे, IP SSH वर्जन 2। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क करें तो 1 और 2, तो हम 2 लेंगे, ओके। अब हमने क्या करना है, हमने क्रिएट यूजर, हमें यूजर क्रिएट करना है ताकि जब भी हम SSH लेंगे यहाँ पे तो एटलीस्ट जब वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछे तो हमारे पास यूजर होना चाहिए, तो हमें एक यूजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट क्रिएट यूजर एंड अलाउ SSH। अब हम यूजर क्रिएट करेंगे, तो कमांड होगी यूजर नेम सिस्को एंड पासवर्ड आई विल गिव सिस्को, ओके, एंटर। नाउ हम जाएंगे लाइन VTY पे, बिकॉज दोनों आपके रिमोटली एक्सेस करने के लिए होते हैं डिवाइस को, तो हमें यहाँ पे अगर हम टेलनेट कन्फिगर करें या हम SSH कन्फिगर करें, हमें लाइन VTY के थ्रू जाना होगा। इसमें ये डिफाइन करता है कि आप कितने यूजर को एट ए टाइम परमिट दे रहे हैं कि वो आपकी डिवाइस पे लॉगिन हो, तो लाइन VTY 04। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी SSH के लिए जब भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट इनपुट यानी आप अलाउ कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इनपुट किसको अलाउ कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क अगर आप करें तो ऑल में आपका टेलनेट भी आ जाएगा, आपका SSH भी आ जाएगा। आप अपने डिवाइस को टेलनेट के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, SSH के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही डिसेबल करने अपने डिवाइस पे तो आप नन कीजिए, नन मैं एंटर करता हूं। अब अगर मैं पीसी पे जाऊं, ठीक है, पीसी पे अगर मैं टेलनेट करूं अपने पीसी को, तो ये आएगा कनेक्शन टू दिस वन दिस होस्ट यानी स्विच क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नन की जगह टेलनेट को अलाउ करूं, ठीक है, टेलनेट, अब मैं अगर टेलनेट करूं पीसी से तो ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर टेलनेट, यानी अगर मैं पासवर्ड डालूं सिस्को तो ये आपका लॉगिन कर रहा है, ठीक है, ओके। अगर मैं टेलनेट को अलाउ ना करूं, मैं SSH को ओनली अलाउ करूं, तो दैट्स गुड, क्योंकि ये मेरा ज्यादा सिक्योर प्रोटोकॉल है,
और अगर आप मैं टेलनेट करूं यहां से एग्जिट करके, ठीक है, मैं टेलनेट करूं तो ये मुझे मना कर रहा है कि क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट, ठीक है। और अगर मैं अब SSH करूं 10.1.1.1, ओके सॉरी, ऑन पोर्ट 22, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ओके सो SSH के लिए यहां पे आपको टाइप करना होगा SSH एंड देन हाइफन आई एंड यूजर नेम सिस्को एंड IP 10.1.1.1 इनवैलिड कमांड। आई थिंक इंस्टेड ऑफ आई नीड टू पुट 1। Okay, so I need to enable here login local because अभी अगर हम देखें यहाँ पे तो show running configuration, ठीक है, यहाँ पे जो ये password ले रहा है, हमने SSH को तो allow किया है तो, लेकिन उससे पहले जो ये password ले रहा है login के लिए वो line VTY telnet का password Cisco, तो हमें यहाँ पे करना होगा लॉगिन लोकल की कमांड, हमें यहाँ पे रन करनी होगी तो कॉन्स्टी लॉगिन लोकल, आई थिंक लॉगिन क्वेश्चन मार्क होस्ट ट्रैप नो एग्जिट लॉगिन, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ओके सो लॉगिन नॉट फ्रॉम हियर, वी नीड टू गो टू कॉन्फ्टी लाइन VTY 04 लॉगिन लोकल, नाउ आई थिंक लॉगिन LOGIN लॉगिन नाउ यस लोकल, that's it। okay so SSH का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो कमांड टाइप करने में तो ओनली SSH आप यहाँ पे टाइप करें एंटर एंड देन ये आपको फॉर्मेट बताएगा कि आपको SSH कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे तो यहाँ पे SSH hyphen not one not I it's L, तो यानी हम करेंगे SSH hyphen L, यूजर नेम हमने दिया था सिस्को एंड टारगेट यानी हमें किस डिवाइस का SSH लेना है तो 10.1.1.1, ओके एंटर। तो यहां पे ये आपके सामने पासवर्ड आ गया, तो पासवर्ड सिस्को हम एंटर करते हैं तो ये आपका इनेबल, लेकिन हमने जो कॉन्फ़िगर किया था वो किया था यूजर नेम एंड पासवर्ड के बिहाफ पे, बिकॉज किसी भी डिवाइस पे लॉगिन करने के लिए देयर आर सेवरल मेथड, या तो आप लोकल लॉगिन करें, ठीक है, लोकली लॉगिन करें अपने डिवाइस पे, लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करें, लेट सपोज कि मेरी कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग आया और नेम लेट सपोज सैम, ठीक है, तो मैंने यूजर नेम क्रिएट किया सैम, ठीक है, पासवर्ड मैंने सैम का क्रिएट किया एंड दैट्स इट। अगर मेरे पास 200 एटलीस्ट यूजर हैं तो क्या मैं डिवाइस पे जाके मैन्युअली उनके हर किसी के यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करूं, दैट्स नॉट ए गुड थिंग। मेरे लेट्स सपोज ओनली 20 यूजर हैं, ठीक है, मेरे नेटवर्क मेरे कंपनी में 20 नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, और मुझे इन्हें एक्सेस प्रोवाइड करना है और मेरे कंपनी में एटलीस्ट 500 स्विचेस हैं एंड एटलीस्ट 50 राउटर एंड ऐसे मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो हर डिवाइस पे मैं जाके यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करूं, दैट्स नॉट ए गुड थिंग। तो इसीलिए एक मिडिल में एक हमारा डिवाइस आता है ACS, सिस्को ACS या ऐसे काफी सारे ऑथेंटिकेशन के डिवाइस हैं जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं ऑथेंटिकेशन का फॉर्मेट,
तो ACS से आपके सारे डिवाइस कनेक्ट होंगे, आपको ओनली जो यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है केवल ACS पे करना है। तो ये सिस्को CCNA से बियॉन्ड है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड आना चाहिए था जब मैंने टेलनेट किया, यहाँ पे SSH किया, तो यहाँ पे पासवर्ड की जगह यहाँ पे इसने हमसे यूजर नेम एंड देन पासवर्ड पूछना चाहिए था, लेकिन पूछा नहीं। रीजन बिकॉज आई थिंक कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे की थी उसमें ये अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया है, तो हमें चेक करना है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ओके, तो मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड हम चेक करते हैं यहाँ पे लाइन v3.0.4 पासवर्ड सिस्को लॉगिन लोकल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH लाइन v3.5.2.15। तो ओके, सो ये काम क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइन कंसोल 0 लाइन v3.0.4, ठीक है, ओके, एंड पासवर्ड सिस्को लॉग इन लोकल ट्रांसपोर्ट इन टू SSH लॉग इन, ओके, आई ट्राई अगेन हियर, अगेन आस्किंग फॉर पासवर्ड, तो इसका मतलब कुछ मिस है हमसे यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कॉन्फ्टी लाइन v3.0 एंड लॉग इन लोकल, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से चाहता हूं कि जीरो से ही यहाँ पे, ओके, नाउ अगर मैं पासवर्ड सिस्को, ओके, इनेबल, मैं आउटसाइड आता हूं, ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूं दोबारा SSH ओपन, अगेन देयर इज सम मिसिंग, समथिंग मिसिंग, जस्ट गिव मी अ वन सेकेंड, आई नीड टू ट्राई इट कि हम कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे लाइन v3.0.4 शो रन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके, लाइन कंसोल 04 पासवर्ड सिस्को, ओके, तो मैं इसे रिमूव करता हूं पहले, ओके, कॉन्फ़िगरेशन लाइन v3.0.4 फोर नो पासवर्ड, आई थिंक ये टेलनेट का पासवर्ड ले रहा है बार बार, ठीक है, तो पासवर्ड रिमूव कर दिया, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूं, ठीक है, तो अब ये लाइन v3.0 पे जाएगा, लॉग इन लोकल, यानी लोकल में जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है वो अब आना चाहिए, ठीक है, एंटर अगेन पासवर्ड, ओके, ओके, सो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि हम यहाँ पे सब कुछ करेक्ट कर रहे थे और फिर भी हम कुछ गलत वे में जा रहे थे। हमने यहाँ पे किया SSH, हम यूजर नेम ऑलरेडी दे चुके हैं, SSH किया, एंटर किया, यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है और हम यूजर नेम करेक्ट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप SSH करें -l, यूजर नेम मैंने वहां पर दिया था सिस्को एंड टारगेट था हमारा 10.1.1.1, दैट्स इट, पासवर्ड पूछ रहा है, यूजर नेम हम डाल चुके हैं यहाँ पे एंड पासवर्ड हमारा सिस्को और ये हमारा आ गया, इनेबल में जाएंगे, इनेबल पासवर्ड इनेबल, दैट्स इट एंड कॉन्फ्री सब कुछ है। अगर मैं कुछ नया यूजर यहाँ पे ऐड करूँ यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ कॉन्फ्टी यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन 123, ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ से SSH करता हूँ PC से, अभी मैं दूसरा यूजर हूँ, मैं एडमिन हूँ, ठीक है, तो मैंने SSH किया -l यूजर नेम एडमिन एंड डिवाइस टारगेट 10.1.1.1 एंटर एंड ए पासवर्ड एडमिन 123 लॉग इन, ओके, सो वी डन, हम कर चुके अपना काम, नथिंग, ठीक है, तो पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे हम लोग,
आई थिंक इंडिया के अकॉर्डिंग 4 बज रहे हैं और मैं सुबह के 4 बजे वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों के कुछ समझ में ना आया हो या आप लोगों को लग रहा हो कि कुछ गड़बड़ है, तो आप कमेंट कीजिएगा। आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं दोबारा कोई वीडियो अपलोड कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो ही डाउट आपके क्लियर होंगे। तो आज के लेक्चर में आई थिंक इतना ही। हम इनेबल कर चुके हैं SSH और यहाँ पे आज का ये लेक्चर हमारा एंड होता है। तो जिन लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें और बेल आइकन भी होगा आई थिंक वहां पे, तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। बेल आइकन के प्रेस करने से ऐसा होगा कि आपके पास अगर मैं कोई भी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको भी नोटिफिकेशन आएगी, बट इट इज नॉट टू मच कंपल्सरी, ठीक है। और अगर आप फेसबुक में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नेटवर्क सील्ड के नाम से पेज है, ठीक है। और वेबसाइट पर अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक यू।